कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत है? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये बाथरूम है, टॉयलेट, तो आज इसका जो है ना, ये फर्श लगाने का था, तो इसका ये लगाने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वैसे तो बहुत सारे भाइयों को ये तरीका आता होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ जो है ना, ये तरीका शेयर करूँ। तो ये जाविया है, स्टील जाविया, ये स्टील जाविया है, और इसको जो है, ये शावर का जगह है, जो इस जगह पे इसको लगाने का है, नीचे ये फ्लोर पे। सही है, तो इसका तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इसको कैसे और किस तरीके से लगाने का है। आप लोगों को दरख्वास्त है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर दें। दोस्तों, अभी मैं इस सामान को स्टार्ट करता हूँ। अभी मैंने जो है इसका लेवल किया, ये रमल, ये रेत जो है हमने सीधा किया, और इसमें हमने ऊपर पानी डाल दिया। तो अभी मसाले का तरतीब करेंगे और इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये मसाला तैयार हो गया है। ये हमारा जो दोस्त है, हमारे साथ काम करता है, उसने ये मसाला तैयार किया है। ये तैयार है, लेकिन मसाला ऐसा हमने बनाया है कि ना गीला है और ना सूखा है, मतलब एक दरमियाने से इसका मसाला बनाया है हम लोगों ने। जिस तरह पलस्तर का मसाला होता है आमतौर पर, तो उस तरीके का मसाला बनाया है। और अभी मेरा दोस्त लगा है, ये नीरू बनाता है, जिसको दवा बोलता है। तो अभी ये बनाएगा नीरू। ये मेरा दोस्त है, ये बंगाल का है, बांग्लादेश का। अभी ये बनाएगा नीरू, ये नीरू बनाता है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो बनाने का कोई और मकसद नहीं है, वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि जब हमें इसने अपने अरबाब ने बोला, मालिक ने बोला कि यार इसका जाविया लगाने का है, तो हमें खुद तरीका नहीं आता था कि इसको कैसे लगाना है। लेकिन बाद में हमें वो शुरू किया, और इंशाल्लाह एक हमाम मैंने तैयार किया है, वो मैं आप लोगों का को दिखाएगा। लेकिन इसका ये तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि बाय द वे, ऐसा मेरा भाई होता है कि जिसको तरीका नहीं आते, तो कम से कम वो इस तरह वीडियो से जो है फ़ायदा उठा सकता है। तो ये इस जगह पे, शावर की जगह पे हम लोगों ने मसाला अभी डाल दिया है। ये शावर वाला जगह पहले बनाएगा, तो कल इसको इंशाल्लाह फिर वो जाविये का सेम काट के, तो फिर बकाया, हाँ, जो बाथरूम है वो बनाएंगे। लेकिन ये ख्याल रखना है कि ये जो बाहर का सरामिक लगा है, ये इससे नीचे होना चाहिए। बाथरूम जहाँ भी हो, ये फ्लोर से जो है नीचे होना चाहिए, तो ये ख्याल में रखना है। इस हिसाब से इसका लेवल तुम लोगों ने जो है ना बनाने का है, ताकि बाथरूम ये का जो जगह है, जो बाथरूम है, वो इसी फ्लोर से जो है ना नीचे होना चाहिए। क्योंकि ये शावर का जगह है, तो शावर के जगह का जो स्लोब है, जो पानी का मतलब है कि वो लेवल करना है, वो इस तरीके से करना है ताकि पानी डायरेक्ट उसी पेप में ही चला जाए। और इधर का ये है फ्लो ट्रिप, तो बकाया बाथरूम का पानी जो है ना इधर ही लाना पड़ेगा। सही है, जहाँ फ्लो ट्रिप है तो उसका जो है ना अपोजिट जो है ना पानी लाना पड़ेगा। लेकिन ये ख्याल रखना है कि जब ऐसे जाविये वाला बाथरूम जहाँ भी लगाना है, तो ये लू ट्रिप जो है ना अपोजिट रखना है। मतलब है कि ये जो शावर का जगह है, अगर वो उस कॉर्नर में है, तो इसका जो बकाया बाथरूम का पानी का जगह हो, लू ट्रिप इधर रखता है, तो वो दूसरा कॉर्नर में होना चाहिए। तो तब जो है तुम्हारा बाथरूम का स्लोप दोनों साइड पर जो है ना सही जाएगा। सही है, तो अभी इसका सरामिक लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मसाला तैयार हो गया है। तो अभी हमने ये नीरू डालना है। कोई इसको गिरू बोलता है, कोई नीरू बोलता है, कोई इसको दोहा बोलता है हमारा पाकिस्तान में। तो अच्छा, इसका मेन बात यह है, ये जो शावर का जगह है, जो पेप लगा है, तो इसके हिसाब से तुम लोगों ने एक समोसा जो है ना काटना है, जिस तरह मैंने अभी ये समोसा काटा है। तो इसके हिसाब से ये समोसा जो है ना, इसके हिसाब से काटना है। अभी मैंने इसके हिसाब से एक समोसा काटा है, ये तुम लोग देख सकते हैं। ये पेप के सेंटर में हमने लगाना है, इसका कॉर्नर काट के तो पेप के सेंटर हमने लगा दिया इसका। सही है, ये
इसके पीछे एक तीर का निशान होता है, ये वाला निशान, ये एक साइड में लाना है। अगर एक साइड में नहीं लेकर आएगा तो ये जो लकीर है ये बाद में एक दूसरे को मतलब है कि मैच नहीं करेगा, सही नहीं आएगा, तो इसको एक साइड में लेकर आना है। इस तरह अभी हम लोगों ने इसको जो है ना इस तरीके से रखा है। इसको तुम लोगों ने एक ही साइड से लेकर आना है। ये हमारा हमाम शावर का जो चार्ज बन गया है, अभी हमने इस तरीके से जो है ना इसको लगाना है। अभी इधर फिर दोबारा दूसरा समोसा आएगा, ये कट पीस आएगा। तो इसके लिए हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करना है, ऐसा जो है ना ये हैंड एंगल जो है इसको इस्तेमाल करना है। ये हो गया हमारा बाथरूम बनाने का चाल जो आप लोगों के सामने है। तो कुछ इस तरीके से जो है ना इसका चाल शुरू करना है, इसका तरतीब शुरू करना है। तो तुम्हारे जो स्लोप होता है उसमें कोई कुछ फर्क नहीं आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको जो है स्टार्ट करना है और इस तरीके से इसको जो है बाद में लगाना है। तो दोस्तों यह हो गया शावर का जगह जो तैयार हो गया, आप लोग देख सकते हैं ये शावर का जगह हो गया। तो अभी इसके ऊपर हम लोग जाविये का तरतीब करेगा, जाविये लगाएगा, इसका कटाई करेगा और फिर इसके साथ जो है ना जाविया लगाएगा और बकाया सामान तरतीब करेगा इंशाल्लाह। ये अभी हमने ये जाविया जो है इसमें लगाना है, स्टील का जाविया। एक प्लास्टिक का होता है इस तरीके का और एक होता है ये स्टील का है। तो प्लास्टिक का हमेशा जो है डक्ट में या मतलब इधर देखा था इस तरह मतलब ये बुक से इसमें प्लास्टिक का लगाएगा, नीचे का होता है इसमें जो है लगाएगा ये स्टील का। तो इसका हमने इसका बीमारी दे दिया है और इसको हमने इस तरीके से इसके साथ रखना है, इसके साथ इस तरीके से रखना है और इसका मॉडिफाई करना है। इसको इस तरीके से मॉडिफाई करना है ताकि ये आदमी को क्लियर नज़र। इसको ऐसे जो है ना 45 में इसको लगाना है, आप लोग देख सकते हैं इसको इस तरीके से इसको 45 में लगाना है। सही है, जितना मतलब है कि सेस का शावर होगा उतना ही सेस का जो है ये बनाने का है और इसका 45 करके इसको रखने का है। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमने इसका कटाई किया और ये जाविया इसी तरीके से लगा दिया है, रखा है। फिलहाल ये हमने टेम्परेरी रखा है लेकिन इसका लेन जो है इसको सीधा करना मांगता है। इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसका लेन जो है लेन के हिसाब से हमने इसका कटाई कर दिया। तो इस तरीके से शावर का जो है पहले लगाना है, बाद में जो है ना सेम कटिंग करके जितना तुम्हारा शावर आता है तो इसके हिसाब से करो लगाने का है ये बात का हमाम। सही हो गया। Thank you.
Thank you.